राम राम दोस्तों। जैसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं अपने पापा के साथ में थोड़ा बहुत लैंडस्केप का भी काम करता हूँ, मतलब लैंडस्केप बोले तो गार्डनिंग का, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, तो मतलब मेरे पापा का इसी में ही काम है, बिजनेस है दिल्ली में अपना। तो मैं भी पापा के साथ लगा रहता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज है, थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ इधर उधर से आना जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे मैं यार नए नए जगह पे जाता हूँ ना, तो मेरे को बहुत सारे नए नए प्लांट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे, और कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जो मैं खुद पहली बार देखता हूँ, देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ, वाओ मैंने खुद कुछ नया देखा है। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि क्यों ना एक इन्हीं के ऊपर में ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी गार्डनिंग के नए नए फ्लावर और नए नए आइडियाज़ के बारे में पता लगता रहे कि मार्केट में कौन सा नया फूल आ रहा है, क्या उसका सीजन चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग घर में अपने गार्डनिंग तो करते हैं, बट उन लोगों को नॉलेज नहीं होती है या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उनके फ्लावर्स वगैरह जल्दी मर जाते हैं या फिर नहीं चल पाते हैं। तो उसी के चलते मैंने एक ब्लॉग बनाने की सोची है कि प्लांट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। मेरा भी यही काम है यार, तो मेरा भी थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा उसमें। तो चलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई सीरीज है पूरी की पूरी फ्लावर्स के बारे में। दोस्तों ये खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है आइस प्लांट, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो बर्फ़ का पौधा। इसके फूल ये जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से ये कोई भी आर्टिफिशियल फूल नहीं है, ये सारे ओरिजिनल फ्लावर हैं। और ये जब खिलता है ना भाई, मैं बता नहीं सकता आपको ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो ये रिकॉर्डिंग में कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, बट हाँ देखने में अगर आप इसको देख लोगे तो देख के आप एक बार में कह ही नहीं सकते हो कि ये पौधा प्लास्टिक का नहीं है। और जैसा कि इसके नाम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया ये आइस प्लांट है, तो इसकी अगर आपको पहचान करनी होगी तो आप कभी भी इसके कोई भी एक प्लांट पकड़ो और उसको हल्का सा नीचे करके देखोगे तो इसके पूरे स्टेम पे आपको ना ये देखो आइस सा जमा जमा सा दिखेगा, कुछ वाइट वाइट कलर का, ये देखो ये बर्फ नहीं है, ये बस इसके ऊपर में लगा हुआ एक केमिकल है जो कि इसको ठंडा रखने में हेल्प करता है। और ये काफ़ी खुरदुरा होता है छूने में, अगर आप इसको ऐसे उंगली से छुएंगे तो आपको ये काफ़ी खुरदुरा लगेगा। और ये पूरा पौधा देखने में एकदम बर्फ़ के पौधे जैसा ही दिखता है, इसलिए इसका नाम भी आइस प्लांट ही है। इसके अंदर में 2 से 3 कलर की वैरायटी अवेलेबल है, ये भी इस बार हमारे कलेक्शन में रहेगा। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट ईयर ये आपको फिर से अवेलेबल हो जाएगा, प्लांट और सीड दोनों आपको मिल जाएगा, जिस क्वांटिटी में बोलोगे ये उस क्वांटिटी में मिल जाएगा। इसके ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये पूरा ऐसे ग्राउंड कवर में ज़्यादा काम आता है, तो इसकी ना कोई बेल होएगा ना कुछ होएगा। तो आप इसको अगर अपने बालकनी में लगा के हैंग करना चाहो तो ईजिली आप इसको हैंग कर सकते हो, देखने में काफ़ी प्रिटी लगता है। और ये पूरे विंटर ऐसे ही इसका फूल खिलता रहेगा, जैसे ही थोड़ी गर्मी स्टार्ट होएगा, ये देख सकते हो आप कितना घना इसका फूल आता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको ठीक से केयर टेकिंग कर लोगे तो आपको इसमें से इसके सीड्स भी निकालने को मिल जाएगा। तो इसके सीड्स जो रहेंगे वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं, देखने में एकदम कॉटन जैसा होगा, आपको बहुत ही केयरफुली इसको निकालना होगा। मोस्टली हमेशा यही होता है कि जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी सीड्स जमीन में बिखर जाती है। ये सारे भी आइस प्लांट ही हैं, आप इनको देखिए, ये देखिए एकदम बर्ड है, ये कल खिलेगा, ये देखिए ये फ्लावर कल खिलेगा। और ये भी देखने में इतना प्यारा लग रहा है, इसमें हल्का हल्का पिंक कलर इसमें शो हो रहा है, सो इट्स लुकिंग सो अमेजिंग, वाव। ये देखिए इनके सारे बर्ड्स हैं, ये प्लांट के बारे में मैंने ब्रीफ किया है।
अगर आप लोगों के लाइक और कमेंट मेरे को सही आते रहे तो मैं इस ब्लॉगिंग को और भी आगे लेके जाऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी कुछ और देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। यहाँ मेरे आपको लेफ्ट दिख रहे होंगे काफ़ी सारे फ्लावर हैं, उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया आपको, आप इधर देखिए। तो ऐसे भी हमारे नर्सरी में हमारे पास में ऐसे बहुत से कलेक्शन हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी ब्रीफ नहीं किया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए फ्लावर्स के बारे में बताऊंगा, उनकी केयर टेकिंग, उनका रख रखाव हमारे माली भैया हैं। और ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट गार्डनिंग की वीडियो देखने में आसानी हो। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और उसमें डालने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भाई मुझे मतलब नहीं है, वो जो नीचे लाल कलर की बटन दिख रही है ना, वो बस क्लिक हो जानी चाहिए, बस हो जानी चाहिए। अब करना ना भूलें। और भाई चाहे कमल का खा के थूक, चाहे पान बिलास फेंक के मार, मुझे मतलब नहीं है, वो जो नीचे लाल कलर की बटन दिख रही है ना, वो बस क्लिक हो जानी चाहिए, बस हो जानी चाहिए अब।